थाना पनवाड़ी पुलिस टीम के द्वारा अंतर जनपदीय पशु वाहन चोर गिरोह का किया गया भंडाफोड़। चोरी की योजना बनाते समय 8 नफर अभियुक्तों का को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से घटनाओं में प्रयुक्त 2 अदद 4 पहिया वाहन, 8 अदद 4 की मोटरसाइकिल, 8 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, 27,500 रुपए नगद और अवैध तमंचा कारतूस भी हुआ बरामद। पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर अपराधियों के निर्देशन पर अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जनपद में पशु वाहन चोरी और नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम और उसमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 14/3/2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर के गौतम और क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री शशि कुमार पांडे द्वारा थाना स्तर पर गठित की गई टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। थाना पनवाड़ी पुलिस टीम के द्वारा थाना क्षेत्र और आसपास के थाना क्षेत्रों में हो रही वाहन पशु की चोरी के संबंध में पंजीकृत मुकदमा के अनावरण हेतु लगातार अथक प्रयास किए जा रहे थे, जिसके क्रम में दिनांक 14/3/2023 को थाना पुलिस टीम द्वारा उन्होंने निस्वाड़ी पनवाड़ी तिराह कस्बा पनवाड़ी से मुखबिर खास की सूचना के आधार पर पशु चोरी करने वाले गिरोह के 8 नफर अभियुक्त गनों का क्रमांक 1 दानिश कुरैशी, शिवम विश्वकर्मा, कुलदीप गोस्वामी, सागर अहिरवार, मान सिंह अहिरवार, निर्मल कुमार शर्मा, अनिल अहिरवार, मनोज साहू को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी, बरामदगी और पूछताछ के आधार पर वाहन चोरी, जानवर भैंस चोरी की कुल 6 घटनाओं का अनावरण और 4 अन्य बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी की जा रही है। अभियुक्तों के कब्जे से कस्बे से 1 अदद तमंचा, 315 और 2 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर और भैंसों की चोरी करने के उपरांत प्राप्त धनराशि 27,500 और 7 अदद मोबाइल फोन और 8 अदद चोरी की मोटरसाइकिल और 2 अदद 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया। मुकदमा आपराधिक संख्या 27-23 धारा 379 भादवी थाना महोबकंड जनपद महोबा भैंस चोरी, मुकदमा आपराधिक संख्या 30-23 धारा 379 भादवी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा भैंस चोरी, मुकदमा आपराधिक संख्या 34-23 धारा 379 भादवी महोबकंड जनपद महोबा चोरी वाहन और मुकदमा आपराधिक संख्या 116/2023 धारा 379 भर्ती थाना राठ जनपद हमीरपुर वाहन चोरी, मुकदमा आपराधिक संख्या 35-23 धारा 379 भादवी थाना पनवाड़ी महोबा वाहन चोरी किया गया। कानूनी जंग न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ अमरेश राजपूत की खास रिपोर्ट। गंभीरता से लिया गया था और सीओ कुल पहाड़ और इंस्पेक्टर पनवाड़ी इस पर लगातार कार्रवाइयां कर रहे थे। इस तरह से हमको मुखबिर की सूचना पर एक गैंग हमारे हाथ आया है जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है, जिसके अंदर इन्होंने राठ में भी चोरी कर रखी है, जिसकी भी मोटरसाइकिल रिकवर करी गई। कुल मिलाकर के 8 मोटरसाइकिल इनके पास से रिकवर की गई हैं, जिनके उपास उनमें से 4 को ऑलरेडी लिंक कर दिया गया है। 6 मुकदमों का इसमें जो है खुलासा किया गया है, जिनमें 2 भैंस चोरी की भी घटनाएँ इन्होंने की हैं, जिसके लिए ये 2 DCM यूज़ किया करते थे, उनको भी इनसे रिकवर किया गया है। साथ में इनके पास से एक अवैध असला भी बरामद हुआ है। इस तरह से एक बहुत बड़ा गैंग जो है, कई सारे मोबाइल इनके पास जो है रिकवर हुए हैं। इस तरह ये एक बहुत बड़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग जो है वह थाना पनवाड़ी पुलिस द्वारा आज पकड़ा गया है। मैम, क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास? इसके अंदर जो हमने जानकारी अभी तक प्राप्त जानकारियों के हिसाब से, जो एक दानिश नाम का व्यक्ति है जो कि मेनली पशु चोरी में और इन्वॉल्व था, उसका एक अच्छा आपराधिक इतिहास मिला है। बाकियों की भी जानकारी इसमें भी की जा रही है। खुलासा करने वाली पुलिस टीम की आपके द्वारा कोई नाम की घोषणा? बिल्कुल, मैं उनको जो है प्रशस्ति पत्र के द्वारा जो है पुरस्कृत करवाऊंगी। थैंक यू। आज इसी कड़ी में 8 बाइकों का किस तरीके का मैम का? देखिए, यहाँ पर जो हमारा थाना पनवाड़ी है वो उसका आसपास का क्षेत्र थाना महोबकंड है, यहाँ पे चोरियाँ कुछ दिनों से हो रही थी, सूचनाएँ आ रही थी, FIRs भी दर्ज हो रही थी। साथ ही इसमें क्या था, वाहन चोरी हो रही थी और साथ में भैंस चोरी की भी हमारे पास 2 रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। इसको बहुत ही सीरियसली हम सबके द्वारा लिया गया था। हमारी जो CO हैं कुलपहाड़, उनके नेतृत्व में और जो इंस्पेक्टर पनवाड़ी हैं, उन लोगों ने सबने टास्किंग कर रखी थी और मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। इसी क्रम में हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई और एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके साथ हमने फिर जब इंट्रोगेशन किया तो 8 लोग और पकड़े गए। इनके पास से हमें 8 मोटरसाइकिल्स रिकवर हुई हैं, जिनमें हमारे जो है 4 मोटरसाइकिल हमारी FIRs से संबंधित हैं, बाकी 4 की जानकारी की जा रही है। साथ में इनके इन्होंने जो है 2 भैंस चोरियों को भी करना जो है स्वीकारा है, जिनके भी रुपए की इनके पास से बरामद हुए हैं और इनके पास से 2 DCMs मिली हैं, जिनमें जो है ये इन जानवरों को ले जाते थे कटान हेतु, और इनके पास से एक अवैध तमंचा और कई मोबाइल भी रिकवर हुए हैं। ये
ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है। राट की भी एक वाहन चोरी जो है वो वाली बाइक भी इनके से रिकवर की गई है। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि क्या इनका बाहर अन्य जनपदों में या अन्य राज्यों में भी कोई नेटवर्क है क्या, हम उसके ऊपर भी पूरी तफ्तीश इस समय कर रहे हैं और वैसे ही इन पर कार्रवाई की जा रही है, इनको जो है जेल भेजा जा रहा है। मैम आपने बताया जैसे कि आरोपी कौन है, इसमें एक दानिश नाम का व्यक्ति है, यह मेजरली इसका जो है मास्टरमाइंड है और पहले पूर्व में भी उसके ऊपर पशु क्रूरता के कुछ FIRs हो चुके हैं और वही इसमें जो है इन लोगों को यंग लड़कों को अपने साथ लेकर के इस तरह की घटनाओं को कारित कर रहा है। मैम लगभग इनके ऊपर कौन से इसके पहले पूर्व में मुकदमे रहे हैं? दानिश जो है इसमें उसका हमें ऑलरेडी आपराधिक इतिहास मिल चुका है और स्पेशली पशु क्रूरता, ये पहले से ही पशुओं की चोरी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। बाकी 7 लोगों का आपराधिक इतिहास जो है उसकी जानकारी की जा रही है। और इस पे लगा है जो स्पाइस पे लगा उठा लो।